जो ये मलबा इनके ऊपर पड़ा ऊपर से आके, इसका हमें कोई पता नहीं चला कहाँ से आया क्या हुआ। आप साइड पे बैठे हम उधर से हमारे ऊपर भी पड़ा थोड़ा थोड़ा पर हम बाहर चले गए। दो बंदे बिल्कुल सेफ है, तो दो बंदे मलबे के नीचे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, ये डोडा का गंडो ठाठी इलाका है और वहीं पर अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें दो जाने जो है वो चली गई हैं। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये डोडा का गंडो ठाठी रोड जो है वहाँ पर एक गाड़ी जो थी वो फंस गई थी। अभी जो इनिशियल जानकारी हमें मिली है उसमें ये बताया जा रहा है, जो इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है, एक पैसेंजर बस है जो मलबे में फंस जाती है और जब इसे निकालने के लिए यानी कि मलबा हटाने के लिए मशीन भी मंगवाई जाती है, लेकिन उससे पहले जो लोग वहाँ थे जो उसमें बैठे, एक ड्राइवर भी था, तो चार लोग थे जो मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैंडस्लाइड आती है, मलबा और आता है जिसकी चपेट में ये लोग आ जाते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, जो इस वीडियो में भी एक शख्स बोलने की कोशिश कर रहा है और बाकी सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि दो लोगों की इसमें जाने चली गई हैं। दो लोग जो थे वो मलबे में आ गए और बाकी जो लोग थे उन्हें भी बचाने की कोशिश की गई, दो को बचा लिया गया है, उन्हें उनका उपचार के लिए ले जाया गया है, लेकिन दो जाने जो हैं वो अभी तक पता चला है कि चली गई हैं। ये एक पैसेंजर बस थी और गंडोर ठाठरी जो इलाका है, जो रोड है वहाँ का, वहाँ से ये बस निकल रही थी और जो लोग जिनकी डेथ हुई है, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि एक का नाम मुदस्सर हुसैन है, ये नीली बलेसा का रहने वाला है, दूसरा आमिर सुहेल है, ये दारूद खारा का रहने वाला है। लगातार आप देख रहे हैं कि बारिशें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और ज़्यादातर इलाकों में जो है इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बंद है। रामबन में कल देखा गया था कि पूरी सड़क जो थी वो धंस गई थी और आज भी बताया जा रहा है कि सेरी के पास जो रामबन का इलाका है वहाँ पर जिस तरह से आज जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और पानी कुछ जगहों से कुछ डैम से छोड़ा भी जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो सेरी का रोड है वहाँ पर भी कुछ रोड जो है वो बह निकला है, वो रोड जो है वो और कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वहां पर भी रोक दी गई हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गाड़ियों को निकाला जाए, लेकिन मुश्किलें यही हैं कि मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है, बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है और इसी लैंडस्लाइड की वजह से जो है मुश्किलों का सामना जो है वो रेस्क्यू टीम को भी करना पड़ रहा है और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें भी करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल जानकारी यही है कि किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये अगर कठुआ की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ झेलम नदी, श्रीनगर की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त हम श्रीनगर में हैं, तो श्रीनगर के हालात की बात बताई जाए तो यहाँ पर भी झेलम में भी काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव जो है वो डेंजर पॉइंट से ऊपर आ चुका है। वहीं अगर चनाब नदी की बात की जाए तो डीसी जम्मू द्वारा पहले ही निर्देश दे दिया गया है कि चनाब जो दरिया है उसके आसपास कोई ना जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, उनके पास से गुजरती हैं, वहाँ पर वो भी ना जाएं और व्यक्ति जो लोग हैं वो भी चनाब दरिया से ना गुजरें, क्योंकि उसके पास से भी ना जाएं। पानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, खतरे के निशान से ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह से अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये दो जो लोग थे ये भी उसी लैंडस्लाइड का शिकार हो चुके हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि ऐसे ही आप अपने घरों से मत निकलिए, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, कहीं सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं तो मत जाइए, बहुत ज़्यादा मजबूरी है फिर भी देख के निकलिए। बहुत सारी जानकारी बार बार बताई जा रही है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मौसम बिगड़ा हुआ है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है, इस तरह से मड जो है जो वो भी सड़कों पर आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसमें शिकार भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि इसमें जान जो है वो किसी की ना जाए, लेकिन ऐसा आज जो है वो जो बहुत बुरी खबर जो है इस वक्त सामने देखने को मिली। फिर से मैं आपको तस्वीर ये यहाँ की दिखा दूँ, ये देखिएगा, ये वो तस्वीर है, ये डोडा का गंडो ठाठरी इलाका है, रोड है, वहीं पर ये तस्वीरें जो वहां के सामने है जिसमें दो लोग आज अपनी जानें गंवा गए। ड्राइवर कंडक्टर सिर्फ दो बंदे थे, आप पीछे से मशीन लेके आए, फोन के हमारी गाड़ी खाली मशीन लेके आए और मशीन से जो है मलबा लगे निकालने, दूसरी मशीन साइड से आई।
फिलहाल अभी भी नेशनल हाईवे जो है NH44 वो बंद रखा गया है। मुगल रोड से कहा जा रहा है कि वहां से कुछ गाड़ियां छोड़ने की कोशिश की जा रही है, कुछ गाड़ियां यहां से श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर छोड़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से ही आप चलिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर में जो है वो अपनी गाड़ी लेकर आइए, वरना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।